बस नशा करने के लिए मांग रहे थे जी पैसे, तो मम्मी ने दिए नहीं, बस इस करके हाथापाई कर लीजिए। मामला सामने आया हरियाणा यमुनानगर दा, जिथे की पुत्र वालों एक शराब दी बोतल करके मां दा कर दिता गया कतल। जिस मां ने दिन रात उसनु जाग जाग के पालिया, अपनियां खुशियां मार के अपने पुत्त दियां खुशियां पूरियां कीतियां, पर कदे सुपने विच भी नहीं सी सोचिया कि ओहो पुत्त ही उसदी जान दा दुश्मन बनेगा। यमुनानगर दे जयरामपुर दा मामला आया सामने, जिथे की पुत्त ने अपनी मां दा बेरहमी नाल कतल कर दिता। मुलजम जोनी शराब पीन दा आदी सी, जदों उस वालों शराब पीन लई अपनी मां तों पैसे मंगे गए तां मां ने उसनु देण तों इनकार कर दिता, ते उस वालों अपनी मां दे सिर ते सरिया मार के उसकी हत्या कर दिती गई। जदों पिता वालों रोकया गया ता उस नु भी गंभीर जख्मी कर दिता गया। दोनों नु मरिया समझ के मुलजम मौके ते फरार हो गया। आले दुआले दे लोकां ने दोनों नु हस्पताल विच भर्ती किया गया, जिथे की महिला नु ता डाक्टर ने मृत ऐलान कर दिता ते पति गंभीर जख्मी मौत दे जिंदगी दे विचकार जूझ रहा है। पुलिस नु जानकारी मिलदे ही टीम वालों कार्रवाई शुरू कर दिती गई। लड़का है जोनी कुमार, उम्र है 26-27 साल। ये पिछले एक डेढ़ साल से शराबी किस्म का व्यक्ति है, नशेड़ी, और जो पहले भी अपनी माता पिता के साथ पैसे को लेन देन कर लेकर मारपीट करता रहता था, और इसने करीब 4-5 माह पहले इसी पैसे को और शराब पीने के लिए पैसे ना देने के कारण अपनी माँ की बाजू तोड़ दी थी। बस रुक आया था तो कि जोनी ये जो मिता रानी है ये दाखिल है हॉस्पिटल में, और इसकी मौत हो गई है लड़ाई झगड़े में लगी चोटें लगा। तो आज हमारे पास इसके भाई दिनेश कुमार ने बयान लिखवाया है कि मेरा भाई नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है, और कल शाम को मेरी माता मिता रानी और पिता प्रभु राम खाना खाने के लिए चारपाई के बैठे हुए थे, तो जोनी कुमार आया 7:30-8 बजे, जिसने सरिया हाथ में लिया था, लोहे का सरिया, और तुरंत अपनी माँ के ऊपर और पिता के ऊपर हमला बोल दिया। डॉक्टर साहब ने इलाज के दौरान मित्ता रानी को मृत घोषित कर दिया। हमने जोनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। जैसे भी तथ्य सामने आए कार्रवाई की।